दखनी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशरफ खान। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुत्तहिदा महाज के आप कल ज़रूर आइए, अपने सुनहरे ख्याल से हमको तमाम जितने भी लोग हैं उनको महसूस कीजिए। 6 दिसंबर 2018 को जो यौम सिया मनाया जाने वाला है, उस ज़मन में एक तमाम अराकीन अहदेदारान मजलिस शोरा उलमा इकराम डॉक्टर्स वकील मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता लोगों की एक मीटिंग कल यानि 18 नवंबर 2018 को हज़रत फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल में 11 बजे बुलाई गई है। आज 26 साल हो चुके हैं मस्जिद की शहादत के लिए के बाद से हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने खातियों के ख़िलाफ़ में कोई खातिर का कार्रवाई नहीं की, वो खुलेआम फिर रहे हैं। हालांकि ये मसला मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जल्द सुनवाई की जो दरख्वास्त थी वो नामंजूर कर दी। इससे चिराग पा होकर फ़िरका परस जमातें नए नए मंसूबे बना रहे हैं। जैसा कि आप टीवी पर सुन रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं, 24-25 तारीख को बाल उद्धव ठाकरे भी वहाँ जा रहे हैं। हिंदू विश्व परिषद के वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा ले रहे हैं। उसके अलावा तमाम हिंदू तंजीमें ने हुकूमत पर यह ज़ोर डाल रही हैं कि वो क़ानून लेकर आएँ, और क़ानून के सिवा नहीं हो सकता, नहीं तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। एक तरफ तो ये हालत है, दूसरी तरफ हमारी बेहिसी यह है कि हमने इज्तिमाही तौर पर मुत्तहिदा तौर पर आज तक इन फ़िरका परस्तों को कोई जवाब नहीं दिया। इनफरादी तौर पर हम अपने अपने मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया को देते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। जब तक कि हम मुत्तफिक नहीं होंगे, मिलकर काम नहीं करेंगे, अपने आपस की कुछ तनाज़ातें दूर नहीं रखेंगे, उस वक़्त तक हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसमें शक नहीं कि हुकूमत तो इस वक्त खामोश है, लेकिन आइंदा क्या करेगी बाबरी मस्जिद के बारे में हम कह नहीं सकते। अब रहा तशद्दुद का, अब तशद्दुद का सवाल जब है तो हमको भी ये देखना चाहिए कि वो तशद्दुद किस तरीके से करेंगे। अगर हम पर कर रहे हैं तो हमको भी उसका जवाब देना पड़ेगा। इन तमाम मसाइल यानी यौम सिया, उद्धव ठाकरे की हिंदू परिषद की 24-25 को मीटिंग, आरएसएस और अखाड़ा कारोबारों का 6 दिसंबर तक अगर मस्जिद नहीं बनाई गई तो जो एक्शन प्लान है, इसको फेस करने के लिए मैं आप सब से अपील करता हूँ बहैसियत सदर मुत्तहिदा महाज के आप कल ज़रूर आइए, अपने सुनहरे ख्याल से हमको, तमाम जितने भी लोग हैं उनको महसूस कीजिए, और इंशाल्लाह हमको एक लाइम अप करेंगे। हमको जहाँ तक हो सके अदालत पर भरोसा है, उसी तरीके से ज़िले इंतज़ामिया पर भी हमको भरोसा करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता 24 और 25 और 6 के दरमियान में कुछ होता है, इसका जवाब देने के लिए किस तरीके से जवाब दिया जाए, हम उनके ख़िलाफ़ में क्या किए जाएं, इस चीज़ को भी सामने रखते हुए कल की मीटिंग इंतहाई ज़रूरी है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आइए,
किसी को इनफरादी तौर पर इत्तलानामा नहीं दिया गया, बल्कि अखबारों के ज़रिए से, वेबसाइट के ज़रिए से और साथ साथ यूट्यूब के ज़रिए से हम ये आपको इत्तला दे रहे हैं। खुदा हाफिज़। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।